तो गाइस अभी मैंने बोया BYMM1 माइक को अटैच कर लिया है, जो वॉइस सुन रहे हैं वो माइक से ही आ रहा है। मैंने यहाँ पर मेरा सेटअप रख दिया है और मैं धीरे धीरे पीछे जाने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमने यूट्यूब के ऊपर कुछ खर्चा कर लिया है और अब तक मैंने जो भी कुछ थोड़ा सेविंग्स किया था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वी आर इंडियंस और बिना सोचे समझे हम कुछ खर्चे करते हैं नहीं, और अगर करते भी हैं तो उसको एकदम निचोड़ के फुल यूटिलाइज नहीं करने तक हमारा मन भरता है नहीं। तो इसलिए अगर आप इस बोया BYMM1 माइक को अभी या फ्यूचर में कभी भी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि भाई साहब देखो, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मुझसे अच्छा आपको और कौन टेस्ट करके बता सकता है। तो इसलिए आप एंड तक बने रहे, हम करने वाले बहुत सारे प्रयोग इसी बोया BYMM1 माइक के ऊपर और रिजल्ट भी आपको वीडियो में मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट में जाने से पहले अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि माइक ही क्यों, मतलब स्टार्टिंग डेज में मैं माइक में ही क्यों इन्वेस्ट करूं, किसी और चीज में भी कर सकता हूं, तो देखो भाई साहब, किसी महान फिल्म मेकर ने एक बार कहा था कि ऑडियो इज हाफ द व्यूइंग एक्सपीरियंस इन अ वीडियो, मतलब ऑडियो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको फोकस करना है। कोई भी आपका वीडियो नहीं देखने वाला अगर आपके वीडियो में पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो, विंड नॉइस आ रहा हो, कोई बात कर रहा है पीछे सुनाई दे रहा हो। तो इसलिए अगर आप अपने वीडियोस के गेम्स को थोड़ा लेवल अप करना चाहते हैं तो ऑडियो में फोकस करना जरूरी है। तो गाइस अभी सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें मिलता है जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे जाके मैं आपको इसका ऑडियो टेस्ट भी करके बताऊंगा, घर में भी और बाहर भी जाएंगे, रियल लाइफ थोड़ा टेस्ट हो जाए। फिलहाल तो बॉक्स ही खोलते हैं, वैसे तब तक आप वीडियो को लाइक करते रहें। तो अंदर हमारे पास माइक है, लेकिन उससे पहले और क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ तारे वारे हैं, ये जो है वो स्मार्टफोन वाला कनेक्टर है, ये जो स्प्रिंग टाइप का तार है वो DSLR के लिए, मतलब हमारा काम इसमें कुछ है नहीं, हम तो स्मार्टफोन में शूट करते हैं। उसके साथ हमें ये शॉक माउंट मिलता है, मतलब बेसिकली ये शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए है, और आखिर में हमें ये बोया का सुंदर सा बैग मिलता है जिसमें आपको माइक को कैरी करना है, और फिर डब्बे में और कुछ भी क्वालिटी कार्ड्स और ये बोया का स्टिकर। फाइनली हम आते हैं अभी हमारे मेन माइक के ऊपर। तो हमारा जो मेन बोया BYMM1 माइक है वो कुछ ऐसा दिखता है, और उसके साथ हमें ये एक मरी बिल्ली मिलती है, मरी बिल्ली रेड कैट बोलते हैं इसे, नहीं पता। बेसिकली अगर आप विंडी एरिया में हैं तो विंड नॉइस को दूर करने का काम होता है इसका। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस माइक और मेरे स्मार्टफोन के माइक में डिफरेंस क्या है। तो देखो, स्मार्टफोन का जो माइक होता है वो ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है, मतलब स्मार्टफोन वाला जो माइक है वो चारों ओर से ऑडियो कैप्चर करेगा, लेकिन ये वाला जो माइक है वो 90% ऑडियो अपने सामने से ही कैप्चर करेगा, कुछ कुछ आ सकता है पीछे से, लेकिन मैक्सिमम ऑडियो जो सामने है उसका ही आएगा। लेकिन ये सब तो थ्योरीज है, एक्चुअली में सच क्या है वो हमको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट के मैं जल्दी से आपको इसे टेस्ट करके बताता हूँ। तो अभी तक आप जो भी ऑडियो सुनते आ रहे हैं वो मेरे स्मार्टफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, वैसे मैंने ऑब्वियसली बाद में ऑडियो के लेवल्स को इंक्रीज किया होगा एडिटिंग के टाइम, और अगर मैं आपको ओरिजिनल स्मार्टफोन ऑडियो सुनाने जाऊं तो वो कुछ ऐसा सुनाई देगा। तो अभी जो आपको आवाज आ रही है वो मेरे स्मार्टफोन के इंटरनल माइक्रोफोन से है, और फिलहाल अभी मैं ये माइक को लगाने वाला हूं और उसके बाद मुझे आप बताइएगा। और गाइस अभी जो आपको आवाज आ रही है वो बोया BYMM1 माइक से आ रही है, और अभी फिलहाल मैंने AC चला रखा है, पंखा नहीं चल रहा, और स्मार्टफोन के टाइम भी AC ऑन ही था, और माइक भी मुझसे एक हाथ के डिस्टेंस में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, और माइक के ऊपर अभी मैंने डेड कैट भी लगा रखा है, तो आप जज कर सकते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है स्मार्टफोन से कंपेयर करके, मुझे तो एडिटिंग के टाइम भी पता चलेगा। और अगर मैं डेड कैट को निकाल दूँ तो ये जो आवाज़ है वो बिना डेड कैट के है। तो अभी इतनी देर तक फ़ैन ऑफ था, लेकिन मैं फ़ैन ऑन करके भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। फैन ऑन कर चुका हूँ मैं, एक सेकंड। तो गाइस अभी पीछे फैन ऑन है, और फिलहाल जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो स्मार्टफोन के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहे हैं, तो
तो आप अभी देख सकते हैं कि फैन की आवाज़ आपको कितनी सुनाई दे रही है और मेरी वॉइस कैसी आ रही है। और अभी मैं इस बोया BYMM1 माइक को अटैच करने वाला हूँ और उसके बाद आप चेक कीजिएगा। तो गाइस अभी मैंने बोया BYMM1 माइक को अटैच कर लिया है और अभी जो आपको ऑडियो आ रही है वो उससे ही आ रही है और डेड कैट भी वैसे मैंने लगा रखा है, वहीं सेम डिस्टेंस में ही है और मैं सेम हिसाब से ही बोल रहा हूँ। और अगर मैं आपको डेड कैट निकाल के बताऊँ तो एंड अभी जो आप साउंड सुन रहे हो वो बोया BYMM1 माइक से ही आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने डेड कैट निकाला हुआ है। तो अभी तीनों सिनारियों मैंने आपके आगे रख लिया, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस के साथ क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आई गेस आपको अभी इंडोर कंडीशन में क्या डिफरेंस आ रहा है पता चल गया होगा एंड आगे मैं बाहर भी जाने वाला हूँ इसको लेके। मच माइक टेस्ट करने के लिए आई लव समलपुर चलाया और स्कूटी मैंने इधर ही पार्क कर लिया है, आगे आई गेस मुझे कुछ खाना मिल जाएगा। तो गाइस अभी मैंने स्मार्टफोन के ऊपर माइक माउंट कर दिया है और अभी जो वॉइस सुन रहे हैं वो माइक से ही आ रहा है एंड ऐसे आई लव समलपुर आज बहुत सुंदर दिख रहा है क्योंकि चारों ओर से क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और मुझे भूख बहुत लगी है वैसे, तो आगे जाके यहाँ पर कुछ है तो खाएंगे वहाँ पर ही ब्रेकफास्ट। दही बड़ा देखो 50 तो अभी मैं ये लेके इधर चला है, इधर बैठ के आराम से खाऊंगा और आपको टेस्टिंग भी देता जाऊंगा। वैसे इतनी देर तक मैंने माइक लगा ही रखा था, अब मैं आपको थोड़ा निकाल के भी दिखा देता हूँ माइक। तो इस बार मैंने माइक नहीं लगा रखा, आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है मेरी।